जापानीज कल्चर में डारुमा डॉल का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है? कहा जाता है कि इस डॉल को द ग्रेट मॉन्क बोधि धर्म से इंस्पायर होकर बनाया गया था। ज्यादातर जापानीज लोग न्यू ईयर के दिन इस डॉल को खरीदते हैं। खरीदते वक्त डारुमा डॉल की दोनों आंखें सफेद होती है। जो इंसान डारुमा डॉल को खरीदता है वो अपने लाइफ में कोई गोल सेटअप करता है और डारुमा की एक आंख को ब्लैक कलर कर देता है। उसके बाद उस डॉल को ऐसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ से वो डॉल आसानी से सबको दिखाई दे, ताकि जब भी वो इंसान उस एक आंख वाले डारुमा को देखे तब उसे अपने सेटअप किए गए गोल के बारे में याद आए और उसे पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। उस इंसान का गोल पूरा हो जाने पर वो डारुमा डॉल की दूसरी आंख को भी जापानीज ब्लैक इंक से कलर कर देता है और इस तरीके से एक डारुमा के साथ एक गोल कंप्लीट हो जाता है। इस डॉल को इस तरीके से बनाया जाता है कि इसको जिस डायरेक्शन में भी झुकाया जाए या फिर कितना भी गिराने की कोशिश किया जाए वो वापस सीधा हो जाता है। इससे हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और जिंदगी में कितना भी बाधा है हमें उस बाधा का डट के सामना करना चाहिए।